हाल ही में दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज हुई है। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तो भरपूर सराहना मिल रही है, लेकिन दीपिका के जेएनयू के छात्रों को समर्थन देने के बाद एक खास वर्ग ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। अब एक बार फिर दीपिका की टिकटॉक वीडियो के लिए उनकी आलोचना की जा रही है। दरअसल दीपिका ने एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर को उनके छपाक के लुक की चुनौती दी, जो लोगों को पसंद नहीं आई। दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट फैबी को उनकी फिल्मों के 3 सबसे पसंदीदा लुक को रिक्रिएट करने की चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में दीपिका कहती हैं कि फिल्म ओम शांति ओम, पीकू और हालिया रिलीज छपाक के लुक्स उनके फेवरेट हैं। हालांकि दीपिका का फिल्म छपाक के तेजाब हमले के शिकार वाला लुक तैयार करने की फैबी को इस कोशिश की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की जा रही है। I'm going to challenge Fabi with 3 of my most favorite looks. Okay. The first one is Om Shanti Om. Cool. Okay. Second is Piku. Okay. And the third one is Malti from Chhapaak. Oh, cool. So let's do it. कई लोगों ने दीपिका पर एक तेजाब हमले की शिकार के दर्द की सिर्फ फिल्म के लुक से तुलना करने का आरोप लगाया। लोगों ने दीपिका पर यह फिल्म करने के पीछे उनके उद्देश्य पर भी सवाल उठाए। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, जब जेएनयू जाकर भी दीपिका लक्ष्मी का मजाक नहीं बना पाई तो तेजाब हमले के पीड़ितों पर टिकटॉक वीडियो बनाने की चुनौती लेकर आई है। एक अन्य यूजर ने लिखा, यह तेजाब हमले के पीड़ितों का अपमान है, अपना प्रचार करने के लिए कितना नीचे गिर सकती है दीपिका पादुकोण। बता दें कि मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी छपाक तेजाब हमले की शिकार लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म 10 जनवरी को रिलीज हुई थी और यह फिल्म कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई।